तो जैसा सोचा था वैसा पाया इस मूवी में, या फिर हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई ये मूवी, चलिए इसका पता लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनोला होम्स मूवी के बारे में। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है, इस पर डायरेक्ट किया हैरी बारबीर ने। इस मूवी के अंदर दो फेवरेट कास्ट हैं, एक है हेनरी कैविल जो सुपरमैन वाले भैया जो जस्टिस लीग में हमें नजर आए थे और इन्होंने शेरलॉक होम्स का किरदार निभाया है, और दूसरी है मिली बॉबी ब्राउन, ये वही है जो स्ट्रेंजर थिंग में हमें देखने को मिली थी और उनकी जो एक्टिंग थी या वो जो सीरीज थी वो कमाल की थी। और ये मात्र 17 साल की हैं। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बस समझ लो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए अब इसकी कहानी की बात करते हैं। एनोला होम्स इसके दो भाई हैं, शेरलॉक होम्स और माइक्रोफ्ट होम्स, ये दोनों ही अलग रहते हैं और एनोला जो है अपनी माँ के पास रहती है और इसकी माँ ने इसे हर शिक्षा दी है, पढ़ने से लेकर लड़ाई तक की, और हर एक चीज को कैसे देखना है ये सारा का सारा जो गुण है उसको अपनी माँ से मिला है। एक दिन अचानक एनोला की माँ जो है वो घर छोड़ के चली जाती है, कहीं गायब हो जाती है, और एनोला इसका पता लगाने के लिए उनके पीछे पीछे चली जाती है। अब इसके साथ साथ एनोला ने एक और काम कर दिया, यहाँ पर एक ऐसे केस को सोल्व कर दिया जिसको शेरलॉक होम्स है वो सोल्व करने की कोशिश कर रहा, मतलब उन्होंने भी कर दिया था, लेकिन इसमें क्या है एनोला उससे पहले सोल्व करके एक तरीके से अपने भाई को पीछे कर देती है। बट अगर तुम इसको दूसरे नजरिए से देखोगे तो यार कुछ और ही मिलेगा। खैर छोड़ो यार, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। अब इस मूवी के अंदर एक बिल पास होने वाला, एक रिफॉर्म पास होने वाला है। अब कुछ लोग उस रिफॉर्म का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे इंग्लैंड का जो है कल्चर बिल्कुल चेंज हो जाएगा और ये रिफॉर्म महिलाओं के लिए या फिर कहेंगे कि कुछ अच्छे रिफॉर्म लेके आने वाला है, बहुतों की अच्छी हालत होने वाली है इस बिल के द्वारा। और इस रिफॉर्म के बारे में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एनोला जो है इस रिफॉर्म को पास करवाने में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और साथ ही साथ एक लड़के की जान बचाती है जो इस बिल से रिलेटेड होता है, और इस लड़के की जान बचाकर इससे रिलेटेड एक केस को सॉल्व करके अपने भाई को पीछे छोड़ देती है। अब देखो यार, ऐसी क्या चीजें थी, कौन सी थी, उस रिफॉर्म में क्या था, कौन सा वो लड़का था, तो ये सब चीजों के लिए तो आपको देखो यार मूवी देखनी पड़ेगी। एक और चीज इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी इस मूवी में वो ये थी कि एनोला जो है हमसे बात करने के लिए बार बार कैमरे की तरफ देखती और जिसके थ्रू हमसे वो बात कर पा रही थी, ये काफी ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अब देखो अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, देखो शेरलॉक होम्स की अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो जिसके अंदर हमारे आयरन मैन भैया थे उन्होंने तो कमाल की एक्टिंग की थी और उनकी जो परफॉर्मेंस थी जिसके कारण वो शेरलॉक होम्स काफी लोगों की पसंदीदा मूवी बन गई, और एक उनका जो किरदार उन्होंने वहां प्ले किया था वो तो यार सब लोगों के मतलब आंखों में ऐसे मतलब दिमाग में ऐसे छप गया था कि यार इतना ही शेरलॉक होम्स है और इससे नीचे का हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर उससे थोड़े से कम की भी अगर किसी ने कम एक्टिंग या फिर कुछ ऊंच नीच कर दी तो हमसे वो बर्दाश्त नहीं होता, और कुछ ऐसा ऐसा इस मूवी में देखने को मिलता है। देखो यार मैं ये नहीं कहता कि जो सुपरमैन भैया जिन्होंने ये शेरलॉक होम्स का किरदार निभाया है हेनरी कैविल ने, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कम एक्टिंग की, बट एक तरीके से जब आप इस मूवी को देखोगे तो इसमें लगेगा कि शेरलॉक होम्स को एक कम फोकस्ड किया गया है, उनको कम मतलब कम आंकने की कोशिश की गई है या कम समझदार या कम दमदार उनको दिखाने की कोशिश की गई है। खैर शायद वो इसलिए हो सकता है क्योंकि उन्होंने एनोला के ऊपर ज्यादा फोकस करना था, तो इस मामले में यार थोड़ी सी मुझे ये मूवी कम पसंद आई। अगर मैं बात करूं मिली बॉबी ब्राउन के बारे में जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग के अंदर काफी अच्छी दमदार एक्टिंग की थी, आप उसके अगर उन्होंने वो सीरीज देख रखी है, वेब सीरीज देख रखी है स्ट्रेंजर थिंग्स के नाम से, तो आप जानोगे कि तो उन्होंने वहां पर भी बहुत अच्छा काम किया था, इस मूवी के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छे से प्ले किया है अपना किरदार। बट मुझे इसके अंदर कहानी कुछ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी क्योंकि यार इसके अंदर कोई ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग का मतलब ये है कि भाई देखो यार ऐसी नहीं है मूवी कि आप अपनी आंखों की पलके झपकाए बिना इस मूवी को देखने के लिए तैयार हो जाओ। यार थोड़ा बहुत तो यार कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार इसमें थोड़ा टर्न एंड ट्विस्ट यहाँ पर डालने चाहिए थे, कुछ ऐसी पेचीदा चीजें इसके अंदर डालनी चाहिए थी कि हमारे दिमाग के भी मतलब चारों तरफ घूम जाए। एनोला होम्स मूवी की अगर आप जोनर की बात करो तो इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा कि एक ड्रामा, एडवेंचर, मिस्ट्री, क्राइम इससे रिलेटेड है, लेकिन अगर मैं कहूं तो इसमें ज्यादातर आपको ड्रामा और एडवेंचर देखने को ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर मिस्ट्री कहीं पर भी नहीं मिलेगी। हाँ थोड़ी बहुत है बट इतनी जिसमें आप शेरलॉक होम्स का नाम यूज करते हो और होम्स का जिसके अंदर हमारे अंदर जिसकी एक अलग ही इमेज है उसका अगर आप हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो तो हम उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हुए होते हैं कि हाँ यार इसके अंदर ऐसे टर्न एंड ट्विस्ट आएंगे कि हमने कुछ सोचा ही नहीं होता और उसको चुटकियों में ऐसे सोल्व कर दिया जाएगा, उन्होंने वहां पर ध्यान दिया था, बट इसमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और जब एनोला को उसकी माँ मिलती है, देखो यार कोई स्पॉयलर नहीं है, कहीं सोचो कि ये स्पॉयलर बता दिया, बट एक चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एनोला की माँ जब इसको मिलती है तो वहां पर उसकी जो गायब होने की जो रीजन था वो एक तरीके से रिफॉर्म को दिखाया कि हम रिफॉर्म के लिए गायब हुए थे बट अभी भी और भी बहुत सारी चीजें हमें लाने थी। एक तरीके से शायद वो ये कहना चाहती हूं कि वो महिलाओं के लिए काम करें क्योंकि इस मूवी में महिलाओं की दशा बहुत ज्यादा खराब दिखाई गई है, उनको एक अलग ही पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की गई है।
बट इतना क्लियरली से इन्होंने नहीं दिखाया कि वो कौन से और रिफॉर्म है या वो किस लिए गायब हुई थी। एक तरीके से कह सकते हो कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन का अभाव है, इन्फॉर्मेशन हमें उतनी क्लियरली तौर पे हमें दिखाई नहीं गई या बताई नहीं गई कि हमें बतानी चाहिए थी कि क्या रीजन था, क्यों उसकी माँ जो है वो छोड़ के गई थी, बट वो सारी चीजें इसके अंदर मिस थी। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 6.5 out of 10 स्टार। अगर किसी ने मूवी देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो मैं उनको यही कहूंगा कि यार वन टाइम वॉच तो मूवी है, आप डेफिनेटली इसे देख सकते हैं। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।